है, जीव है, काक है, पौधा है। अब देखो आप माटन करते हो तो कौवा आ जाता है, बिल्ली आ जाता है, कुत्ते आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, राइट। एक सीधी सीधी बता रहा हूँ, देखो इस धरती पे जो भी जन्म लेके आते हैं ऐसे कोई फालतू चीज नहीं है। नहीं, हर एक इंसान, माने आप बोलते हैं एक कुत्ते है, एक बिल्ली है, ये है, वो है, लेकिन तो ऊपर वाले नहीं, सब जो भी बनाता है, ऊपर वाला बनाता है, कोई भी बनाता है, नेचर से आता है। जिसको आप ऊपर वाला बोलते हो, हम लोग उसको साइंस में नेचर बोलता है, समझ रहे हो? नेचर, प्रकृति, प्रकृति का नियम पे लोग आते हैं, यही बोलता है। लाखों जीव है जिसको हम जानते नहीं है, जितने लाखों जीव चला गया, डायनासोर चला गया, हम लोग देखते हैं ना डायनासोर पिक्चर, देता पिक्चर देखते जाता है ना डायनासोर का पिक्चर, करोड़ों साल पहले वो लोग चले गए, क्योंकि धरती में गर्मी आया, क्लाइमेट का चेंज हुआ, ये सब कारण में वो सब चले गए। अभी जो हमारा पास जो जानवर बची हुई है मनुष्य छोड़ के, इसमें हम लोग क्या कर रहा है, मनुष्य क्या होता है, अभी पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना, आबादी बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं आबादी बढ़ रहा है, कि मतलब आबादी बढ़ गया मतलब आपको हर एक को खाना चाहिए, सेंटर चाहिए, दवा चाहिए, सब कुछ चाहिए, अदरवाइज क्या होएगा? अभी बोलेगा आपसे किसी को नहीं मिलेगा, उसको गरीबी में चला जाएगा, वो मर जाएगा, राइट, वो मर जाएगा। तो जीने के लिए सबका अधिकार है, ये बोलने का मतलब। हम जो मॉडल बना रहा है वो मॉडल में जो कुत्ते बिल्ली के ऊपर हम काम कर रहा है, तो कुत्ते बिल्ली भी समाज में बहुत सारा चीज़ में भाग देता है, बिकॉज आपका जो घर का कचरा है, जो खाना आप फेंक देते हो वो भी वो खाते हैं। कुत्ते क्या है, कुत्ते भी वही खाना खाते हैं। मेरा आइडिया क्या है, आप एक अच्छा मॉडल डेवलप करोगे, किसी का घर के कोने में एक कुत्ते बिल्ली आप रखोगे, वही घर का जो कचरे का खाना है थोड़ा सा उसको दोगे, वो बचेगा, तो डायरेक्टली क्या होएगा, इनडायरेक्टली आपको जो खाना सुबह में वेस्ट होता है वो खाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, आप क्या करते हो, पॉलीथिन में सब कुछ भर के डाम करके छोड़ देते हो, वो जाके डंपिंग स्टेशन में जाता है, राइट, ये डंपिंग स्टेशन में चला गया। डंपिंग स्टेशन में जाने के बाद क्या होता है, उधर जाके हीप बनता है, एक डेढ़ साल के बाद जब इतना बड़ा हीप हो जाता है, वो मार्केट में देखा गैस बनता है, इसके बाद उसको जला देता है, जलाने के बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारा धुआं प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैस, पॉइजनस टॉक्सिक गैस रिलीज होता है। वो टॉक्सिक गैस से क्या होता है, आपको आग लग जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये सब प्रॉब्लम बड़ा होता है। हम अगर इनिशियल लेवल में अगर हर एक घर पे एक दो बिल्ली रहेगा, आपके घर पे कोने पे, ऐसा नहीं जो आप उसको बिस्तर पे लेके जाओ, घर का अंदर में कोई जाके एक डेस्क बॉक्स बना के उसके ऊपर रख दिया, वही खाना आपको दिया। अभी दुनिया में कितना करोड़ बिल्ली है मालूम है, इंसान से ज़्यादा बिल्ली है। इंसान को तो हम देखते हैं बड़े बड़े इंसान, पूरा दुनिया में 13 मिलियन मतलब बिल्ली है, डिफरेंट, छोटा बिल्ली, बड़ा बिल्ली, इसी है, एक एक आइलैंड है जो भी बिल्ली में भरा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये सब बिल्ली को हम अगर बचा के रखें, आपको घर का इनडायरेक्टली उसको काम पे लगेगा। और दूसरी चीज़ है, बिल्ली बहुत इमोशनल होता है इंसान की तरह, उसको बच्चा कैसे खेलता है, आप देखो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके ज़्यादा जो दिमाग है ना, उसको मम्मी जिसको सिखाता है उसको बच्चे को, बचपन में उसको दूध पिलाना, रात में मैं पूरा कैमरा फिट करके रखा है चारों तरफ से, मैं रात में वीडियो कैमरे से देखता हूँ उसको, मम्मी बच्चे के साथ क्या करता है, बराबर जैसे माँ अपना बच्चे को ट्रेनिंग देता है, वो उनकी लैंग्वेज, हाँ, ड्रेस फिटिंग करवाना है, उसको खिलाना है, कौन सा एनिमी है उसका, कैसे चूहा से बच के, छोटा में चूहा पे बच के रहना है, कुत्ता से कैसे बच के रहना है, कैसे प्ले करना है, हर एक तरफ से गेम सिखाता है, पेड़ पे कैसे चढ़ना है, पत्थर से कैसे खेलना है, हर एक चीज़, मैं आपको एक एक चीज़ क्या क्या चीज़ बताओ, जैसे नॉर्मल माँ अपना और पापा अपना बच्चे को सिखाता है, हर एक चीज़ सिखाता है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता है, हम सोचता है ये लोग अपने से सीखते हैं लेकिन उसको सिखाता है। लेकिन ये हम लोग जानते हैं जो
बिल्ली का एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है, वो लोग ऑटोमेटिकली बहुत से सीख के आता है। ऐसे नहीं कि उसको हर एक चीज, इंसान को सब चीज़ सिखाना पड़ता है। जैसे आपको बच्चों को एनिमाटम कैसे काटना है, स्कूल कैसे जाना है, पढ़ाई कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको नहीं तो घर पे सिखाना है, कैसे नहाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बात करना है। लेकिन बिल्ली का थोड़ा थोड़ा उसको मम्मी और पेरेंट, उसको क्या होता है, बिल्ली का पापा नहीं रहता। एक बात समझ के रहे ना, बिल्ली में उसको मैं आज 3-4 महीने से देख रहा हूँ, उसके साथ पापा नहीं है, सिंगल मदर है। इसको बोलता है माँ ही उसको पाल रहा है। कुछ कुछ टाइम में देखता है रात पे ना उसका पापा आ जाता है, आके थोड़ा टाइम रुकता है, देख के लड़ाई करके चल जाता है। मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारा घर का ऐसा होता है टाइम नहीं दे पाता है, वो बराबर उसका मम्मी बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करता है, आपको विश्वास नहीं होगा इतना प्रोटेक्टिव है। मतलब जैसे आपका कोई नया नया किसी का बच्चा हुआ है तो आप जाके उसको टच करना चाहते हो, पड़ोसी आ जाता है, बहुत सारा मम्मी होता है उसको बोलता है नहीं, मतलब उसको दूर से रखना चाहता है। सेम वे वो अपना बाकी बिल्ली और जानवर से इतना प्रोटेक्शन पे रखता है, उसके लिए वो घर पे डिफरेंट जगह में, मतलब कभी अलमीरा के ऊपर, कभी बोर्ड का बॉक्स के ऊपर, कभी इधर, वो लोकेशन चेंज करते रहता है। सेफ्टी उसको सिखाता है, जो ये भी सिखाता है कैमरा में मैंने देखा, जो हम नहीं रहेंगे ना वो कहाँ रहना है, उस जगह में उसको रहना है। बस मम्मी नहीं है ना, छोटा बच्चा है, वो बराबर उस जगह दिखाता है, इस जगह में नहीं रहता है जब तक मम्मी नहीं आता। जैसे मैं रात 12 बजे जाता हूँ, 1 बजे जाता हूँ, वो हमारे लिए वेट करता है। ऐसे नहीं कि वो भूखा है। मैं 2-3 दिन अगर खाना नहीं देता हूँ ना, वो क्या करता है, वो बाहर से खाना मार के आता है, पिजियन मार के लेके आता है, रैट मार के लाता है। मैं जब ज़्यादा खाना देता हूँ क्या करता है, वो सो के रहता है, अलसी हो जाता है, इसमें अलसीपन चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर में। आप समझ रहे मेरी बात। इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा खाना देना, जैसे इंसान को आप फ्री में कुछ देते हो, उसमें मेरा जो आइडिया है, फ्री में देते हो आप, फ्री में कुछ को नहीं देना चाहिए। आप अपना कर्म करो, कर्म करके आर्न करो, इज्जत से जियो। सेम वे एक जानवर अगर इतना सोच सकता है, वो बाहर जा सकता है। अब मैं खाना नहीं देता हूँ, बराबर बाहर जाता है, अपना खाना अपना लेके आता है। समाज में क्या है, समाज क्या है, समाज तो एक आदमी, लेकिन 1 करोड़ आदमी। अब इंडिया में समाज को लोग तो कम से कम 1 करोड़ 40, इंडिया के अंदर में 1 करोड़ 40 आदमी है। सब आदमी मिलकर समाज में योगदान नहीं करेगा। इसमें मैं आपको कुछ बोलना चाहता था, बिल्ली का अंदर में ये जो चीज़ है, इमोशनल चीज़ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो। दूसरी बात होता है, जब मैंने बोला तो कचरा उठा के लेके जाता है, अगर पॉलीथीन छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनिक वाला जो खाना है मैं बिल्ली को खिलाता हूँ। जैसे अब मुंबई में, महाराष्ट्र में मान लीजिए, अब हर एक घर में एक बिल्ली पालोगे, कम से कम 20 लाख फैमिली को आप, 20 लाख फैमिली में आप बिल्ली पाल सकते हैं। मतलब 20 लाख बिल्ली हो गया तो रास्ता फिर मर जाता है, ट्रैक के अंदर में कुचल जाता है। ये मैं सब कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बोल रहे हो। आप नहीं रख सकते इस जगह में, अपना इस दुकान में बिल्ली आराम से रख सकते हो, जो आप ही का कचरा खाएगा, जो चीज़ आप बेच नहीं रहे हो, जो चीज़ आप म्यूनिस्पल को फेंक रहे हो, ले भाई ठंडा वाला उठा के लेके जाए, यही आप एक बिल्ली रखते हो तो कम से कम ऐसे आप जैसे, हम जैसे सोचेगा, हर एक फैमिली सोचेगा। और एक बच्चे लोग से बहुत खेलता है, बच्चे लोग को क्या होता है, इंट्यूशन होता है। आप एनिमल को बराबर देखोगे, जो उसको जो मोटिव है, मैं 12-1 बजे उठते थे एक टाइम में, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, तो दिन में मैं रात के 2 बजे सोता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। लेकिन ये बिल्ली आने के बाद मैं 5:30 बजे उठ गया, तो मन के अंदर में है उसे खाना खिलाना है, पानी देना है, उसको साफ करना है। अभी आप रात जो दिन 12 बजे उठते थे, अभी मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। सुबह में 5 बजे उठ के उसको खाना ढूंढता हूँ, वीडियो लेता हूँ, बच्चों जैसे कैसे खेलता है उसको मैंने देखता हूँ। इसका कहने का मतलब यही है, आपको लाइफ चेंज कर देता है एक जानवर, आपको आप जिसको जानवर बोलते हो, आपका लाइफ चेंज कर देता है। एक बात होती है,
चौथा बात आपको जैसे बोला था ना, इसका धुआं निकालता है, ये धुआं के प्रदूषण के कारण में हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बड़ा साबित है, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज मिला बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया का। अभी मान के चलो ये आपने एक बड़ा किला को जला दिया, उसमें धुआं जैसे मानपुर में हुआ, 10 दिन 15 दिन धुआं निकला, पूरा मुंबई शहर फैल गया, कितना त्रास लाया गया। अगर वो चीज मैं ग्रेजुअली हर एक फैमिली के ऊपर लोड कर दिया, समझ रहे हो, हर एक फैमिली के ऊपर, हर एक इंसान अगर बोलता है हम जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी को आप निभा रहा है, आप देखो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होएगा। अब कचरा भी कम हो जाएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल भी कम हो जाएगा, इतना ट्रक का जो डब्बा लेके जाता है वो आधा हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा। फाइनली क्या होगा, पॉल्यूशन रुक जाएगा, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग, अभी सोच रहा है साइंटिस्ट लोग 50 साल के अंदर में इंडिया का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी 740 करोड़ है, 2050 में आपको 1500 करोड़ हो जाएगा, तो 1500 करोड़ आदमी को आप कहाँ जाना देंगे। समुद्र भी अभी जैसे चाइना में हुआ था, जहाँ बोट के आदमी रहता था, इतना आदमी बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, आप समझ रहे हो, अभी उसको भी जगह देना है। वो कहने का मतलब यही है, ये इतना जो प्रदूषण होता है इसमें ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा, हर एक को जॉब मिल जाएगा। मेरा एक मॉडल से एक मॉडल से क्या हो जाएगा, इसमें हर एक को नौकरी मिलेगा। नौकरी कैसे मिलेगा, जो एक मॉडल जो बोलता है आदमी को बेकार बना देता है, मैंने देखा कैट क्या होता है, लेथर्जिक हो जाता है। आप कर्म करोगे तो आप खुद को जॉब मिलेगा, आप सेल्फ सस्टेन हो जाओगे, आपको आपको मालूम आपका बेटा है घर पे सो रहा है, आपका पापा कमा रहा है, लेकिन आप उसको लेके इधर करवा रहे हो तो उसको सिखा रहे हो बेटा कैसे बिजनेस कर सकते हो, जो भी तुम कर रहे हो वो भी सीख रहा है ना, वो अगर घर पे सो रहा है तो सेम वे क्या होता है, ये लेथर्जिक जो मेंटेलिटी है उससे एक जॉब हर एक इंसान सरकार के ऊपर नहीं जाएगा, सब बोल रहा है सरकार काम दो सरकार काम दो, सरकार के पास जॉब किधर है, सरकार थोड़ी जॉब का दुकान खोल के बैठा हुआ है, सरकार इतना कर सकता है, सरकार ये बोल सकता है आपको मैं एजुकेशन दे सकता हूँ, आपको स्कूल जाना शिक्षा दे सकता हूँ, सस्ते में मेडिसिन दे सकते हो, आपको जो बड़ा कर दिया आपको भी तो नैतिक ये है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप देश समाज आपको एक जगह दिए है तो आपको एक ड्यूटी बनता है ना, चलो हम भी देश के लिए कुछ करो, तो हम क्यों सरकार को जाके झंडा लेके बोलूँ बिल्कुल नौकरी दो, ये बात सही है ना। अभी इंडिया में क्या है, 140 करोड़ आदमी जिसके अंदर में बच्चे मिडिल एज बूढ़े सब मिला के, अभी मिडिल एज देखोगे तो कम से कम 50 से 60 करोड़ है जिसका उम्र 20 साल से 35 साल तक है, जो उसको नौकरी चाहिए 40 साल तक है, इतना आदमी को कहाँ से सरकार नौकरी देगा। अभी 70 साल में सरकार अगर 3% आदमी को 3% मतलब 4-5 करोड़ आदमी को पूरी नौकरी दिया सरकार, बाकी प्राइवेट है, बाकी खेती करता है, ये सब चीज़ फार्मिंग करता है, पोल्ट्री फार्म करता है, एग्रीकल्चर करता है, ऐसे करके जी रहा है। लेकिन सरकार कितने को 70 साल में अगर तुम 4 करोड़ आदमी को नौकरी दिए तो सबको नौकरी के लिए देने के लिए और कितना साल लागेगा, आप सोच सकते हो, बराबर सोच सकते हो, पर साइड में मतलब ये पहुँच जाएगी आपको क्या करना है, 140 दिन लगेगा अगर पूरा गवर्नमेंट चाहता है 1 करोड़ पब्लिक को वैक्सीन देने का, इतना खाने वाली बात नहीं है। आप 1 करोड़ आदमी समझ सकते हो, 1 करोड़ इंसान को अगर आप वैक्सीनेशन दोगे ना, सरकार बोलता है अभी कोविड चल रहा है भाई सबको वैक्सीनेशन करना है, 1 करोड़ वैक्सीन अगर डेली देना है तो कितना करना है, एक करोड़ का वैक्सीनेशन देना है तो 140 दिन, अगर 140 करोड़ हमारा इंडिया का आबादी है 140 दिन लगेगा, सेम हुए 70 साल में इंडिया में अगर 4-5 करोड़ को खाली नौकरी मिला तो सबको नौकरी मिलने के लिए कितना साल लगेगा बताओ। अगर हम उल्टा नहीं सोचता है, अगर हम सबको नहीं बोलता है, सबको यही शिक्षा नहीं देता है भाई,
सरकार ने सबको पढ़ाया, सबको लिखाया, ये तुम्हारा नैतिक बात आता है, तुम खुद कुछ करो। क्या है समाज के अंदर में अपना जमीन है, पोल्ट्री फार्म करो, एग्रीकल्चर करो, खेती करो, कुछ भी करो, छोटा इंडस्ट्री डालो। तो भगवान ने आपको भी दिमाग दिया, नहीं है तो बहुत सारा चीज है समाज के अंदर में, आप जाके लोन ले सकते हो, एमएसएमई में जा सकते हो। जैसे आप एक पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो, अब सरकार से लोन भी मिलता है आपको, एमएसएमई का लोन मिलता है, बहुत सारा कुछ मिलता है अगर आप करना चाहते हो तो, राइट। ये करना है तो बहुत कुछ करना है, नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। तीसरी बात, पांच बात है जो बहुत सारा बड़ा बड़ा नोबेल लॉरिएट का बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी है, गरीबी हटाओ, गरीब कैसे हटाओगे, गरीब को पैसा दो, गरीब को ये करो, गरीब को वो करो, तब गरीब ऊपर में आएगा। जैसे हम बिल्ली को खाना खिलाता है, बिल्ली को खाना क्यों खिलाता है, बिल्ली को खाना खिलाता है ये मेरा शौक नहीं है, हम सोचते हैं जो छोटा बच्चा है उसको हम थोड़ा सा लाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। अब एक छोटा बच्चा जो आया माँ का कोख से आया है उसको हम थोड़ा सा नहीं खिलाएंगे, अगर मैं नहीं दे पाता हूँ, इंसान बोलता है इंसान सबसे बड़ा जानवर है, मतलब जितने सारे ये है जानवर, मतलब हम बोलता है मनुष्य है, लेकिन आप बायोलॉजी के टर्म में देखोगे इंसान एक बड़ा जानवर है, इसके बाद बाकी सब आते हैं। तो अगर हम इंसान मनुष्य है तो हमारा एक नैतिक बात ड्यूटी आता है, ड्यूटी क्या है, सबका नीचे का जो जानवर है सबको देखना है, जो फूड चेन है जिसका अंदर में मनुष्य है, टाइगर है, एलिफेंट है, बार्स है, एनिमल है, इंसेक्ट है, सब कुछ है, पौधा है। तो आप पौधा कब चीज़ खा के आप बड़े होते हो ना, पौधा छोड़ के इसके बाद सब देखो एक एक चीज़ करके, कुत्ते बिल्ली को खाता है, बंदर इसको खाता है, पेड़ खाता है, ऐसे ऐसे करके पूरा चीज़ सब जुड़ी हुई है, लास्ट में क्या है सब मर जाता है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ, हम नहीं है 200 साल 500 साल जिएंगे, मेरे को भी एक टाइम आएगा 70-80-90-100 साल जी लोगे, 110 साल जी लोगे। जापान में जाओगे तो इंसान 110 साल जी लेता है, चाइना में कुछ कुछ जगह में जाओगे तो 105 साल जी लेता है, वो बहुत रेयर है। एवरेज 80 साल तक जी लोगे, 85 साल तक अच्छा खाओगे, सुस्त रहोगे तो इतना आप जी लोगे, अस्सी पचासी बहुत हो गया। तो क्या है इस टाइम में आपको जो करना है वो चीज़ आपको करना है। तो प्रॉपर्टी में गरीबी हटाओ मतलब यही नहीं जो गरीब को पैसा दो, गरीब को कैसे सिखाओ वो नॉलेज दो, भाई तुम क्या कर पाओगे, तो उससे पैसा देगा तो खाएगा दारू पी के सो जाएगा, उसको कैश दोगे कल 1000 रुपया आप दे दोगे, बहुत सारा बोलता है उसको कैश दो, ये दो वो दो, क्या करेगा, 1000 रुपया 2000 रुपया दोगे तो दारू का बॉटल लेगा, चिकन खरीदेगा, मटन खरीदेगा, खा के पी के सो जाएगा। कारोबार कैसे करना है उसको बोलना है, पैसा नहीं देके भाई तुम कुछ करो, मेरे कितना मेरा घर में लेबर लोग वर्कर लोग काम करता है, शाम को टाइम में आएगा सर पैसा दो 5000 रुपया, जाएगा तो शाम को टाइम फोन करेगा तो 8-9 बजे कहाँ है, दारू का भट्टी में बैठा हुआ है, आपको मतलब आप 5000 रुपया लेके 4000 रुपया उधर ही उड़ा दिया, समझ लो मेरी बात, तो 4000 रुपया आपने उड़ा दिया तो अपना परिवार को कैसे चलाओगे। अभी घर पे बीबी इंतजार में बैठा हुआ है जो मेरा पति पैसा लेके आएंगे, अभी देखा है रात 12 बजे जाके दारू पी के हिलते दुलते जाके उसने जाके बीबी को मारने लगा। हाँ, ये कोई अच्छी समाज का लक्षण नहीं है किसी को पैसा दे देना। मेरा कहने का मतलब वही उसी आदमी को अगर 8 घंटा काम करके मेहनत करके जॉब करके आपको अगर पापा मान के चलो पापा को मंगा 1000 रुपया दे दो, अगर यही पापा बोलता है नहीं बेटा पूरा दिन तुम काम करो इतना आप करने के बाद आपको शाम को 1000 रुपया देता हो, आप मेहनत भी कर लेते हो, पापा भी खुश होता है जो भाई मेरे को एक बेटा मिला जो मेरे लिए करना है, मैं 1000 रुपया अब 1000 क्यों, आपको खुशी में आपको 1200 रुपया देंगे, मैं आपको बताता हूँ आप दोगे कि नहीं दोगे। अगर यही बेटा तुम रात पे सो के रहोगे, पापा के सामने दारू पी के घूमोगे, अगर इंसानियत है इंसान के अंदर में, आप बेटा के ऊपर दोनों को रिलेशन रहता है, लेकिन सोचता है मेरा बेटा बिगाड़ गया समाज ने उसको खराब कर दिया, लेकिन यही पापा आपके एगेंस्ट में बोलेगा नहीं बेटा तुमको मैं पैसा नहीं देंगे, तो खराब हो गया, तो बेकार हो गया, तो समाज से तो हट जा, तेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बोलता है नहीं, बहुत सारा फैमिली बोलता है ना। अगर वही चीज़ आप सोचते हो, इसीलिए क्या होता है लाइफ में पापा मम्मी
के बात सुनना, उसको आदर्श को फॉलो करना, वो बहुत बड़ी चीज होता है। अब अगर अपना पापा को नहीं फॉलो करोगे, आपका पापा अगर देखते हो मेहनत करके आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसको डीप में जाके इससे सोचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, लाइफ का जो दर्शन है आपको, फिलोसफी, आप कहाँ से सीखोगे? आप पड़ोसी का घर पे जाके सीखोगे क्या? पड़ोसी का अंकिल क्या कर रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो, आप सुबह पे कैसे करते हो? आपका पापा मम्मी से ही सीखोगे ना, जिस घर पे रहते हो। अभी मैं आपको जो फाइनल बात करना चाहता है, ये बहुत सारा चीज़ सब जुड़ी हुई है। आप एक आइसोलेशन, हम समाज में आजकल बहुत स्वार्थी हो गया, हर एक इंसान अपने को देखता है, हमारा कैसे पेट चल जाए, हमारा कैसे घर चला जाए, हमारा कैसे बच्चा बड़ा हो जाए, दूसरे क्या भूखा मर रहा है, नंगा रहता है, आपको कोई नहीं है। आप थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका सब चीज़ इसको दे दो, आप अगर 1000 रुपया कमाते हो, आप सक्षम हो कोई चीज़ में, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके किसी का अगर 2 किताब खरीद के दे सकते हो, आपका पुराना किताब दे सकते हो, बहुत सारा जगह में होता है, हेल्प होता है। लेकिन बहुत सारे इंसान सोचता है वो कचरे वाला को दे देता है, अरे भाई कचरे वाला ये किताब लेके जाओ, लेकिन वही किताब आप जब ज़रूरत होता है पढ़ने के टाइम, आप कितनी पैसा दे के वो किताब खरीदे है, कचरा वाला उसको 6 रुपया 7 रुपया 10 रुपये का भाव में लेके जाता है। अब समझ लो, जो किताब आप 1000 रुपये में खरीदा है, उसको आप 7 रुपये में आप कचरे वाला रद्दी वाला को बेच रहे हो। मेरा कहने का मतलब, वो कचरा वाला रद्दी वाला क्या होता है, डंपिंग स्टेशन में डालता है, डंपिंग स्टेशन में डाल के वो पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन वही किताब को आप रिसाइकिल कर सकते हो। समाज के अंदर में जो गरीब अनाथ बच्चा है उसको आप दे सकते हो। इसका अंदर में बहुत सारे चीज़, जो कार्बन फ्लैक्स का बात करता है, CO2 विषय, वो डंपिंग स्टेशन में जाएगा क्या, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जलाएगा, उस अच्छी करेगा, आप पॉल्यूशन कर सकते हो। हम एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल मॉडल ग्लोबली हम कर सकता है, वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर भी रिड्यूस कर सकता है, फूड प्रोडक्शन के ऊपर आप ध्यान सकते हो, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान सकते हो, पूरा सिस्टम को आप बदल सकते हो। आपको आज एक कोरोना वायरस का बात कर रहे हो, आज कोरोना 15 महीना इतना सारी चीज़ हो रहा है, सब बंद है, इंडस्ट्री बंद है, सब बंद है, सब घर पे। आज ये सब चीज़ जो हुआ है, हमारा इतने साल का पाप का फल, जिसको बोलते हो ना, कोई किसी को बोलता है तुम सारा पाप किया है, वो पाप का फल भोग कर रहा है। अब इतना साल से आप ये धरित्री को तुम टॉर्चर करोगे, धरित्री माँ उसको सह नहीं पाएंगे, इसीलिए नया नया चीज़ पैदा हो रहा था। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स है, बहुत सारा चीज़ें, बड़े बड़े कंट्री का बहुत सारा पॉलिसी बनाता है, चाइना बोलो, अमेरिका बोलो, 100-200 साल का हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, गल्फ का आपको वार हो गया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, आपको मालूम है ना किस कारण से मारा, आपको पता होगा, पैदा नहीं हुआ था। ये अमेरिकन एग्रेशन कैसा होता है, कैसे मेंटल गेम खेलता है, वो आप लोग जो करते हो ये सब चीज़ समझ भी नहीं पाओगे। अभी जो हो रहा है चाइना वाला कोरोना वायरस, ये सब इकोनॉमी, चाइना अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनना चाहता है, उसके लिए वो एग्रेशन बनता है, उसके लिए पॉलिसी बनता है। अभी सबके पास परमाणु बोमा है, चाइना के पास पॉलिटिक्स है, सब पॉलिटिक्स है। चाइना क्या कर रहा है अभी, चाइना ये सब लैब पे ये सब चीज़ चेक कर रहा है, ये सब नेचुरल बोल के कुछ नहीं है, अभी चाइना से सब कुछ आ रहा है। कोविड के बाद हम लोग मर रहा है, सब दुनिया में सब कुछ सब मर रहा है, लेकिन चाइना से अभी सब कुछ आ रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर, मास्क जो पहनता है वो भी चाइना से आता है, पूरा दुनिया को सप्लाई करता है, सब रूप में है। जैसे आप अपना घर पे 10 आदमी मर गया, दूसरे वाला आदमी मजा ले रहा है, फूल का माला, पेड, बहुत सारे चीज़ देखे, बाबा ये हमारे पास, तेरा माँ मर गया, तेरा माँ मर गया, तेरा भाई बन गया, तेरा बहन मर गया, चल मेरे पास खटिया है, मेरे पास बिस्तर है, मेरे पास फूल है, वो सब चीज़ आप लोग को देते हैं। ये सब करने वाली कहानी है। मेरा फाइनली ये चीज़ बोलना है, ये जो बिल्ली का मॉडल है, ये सस्टेनेबल मॉडल है, ये मॉडल को आप प्रॉपर्टी एलिवेशन स्टडीज, ऑक्शन थ्योरी, कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट कर सकते हो, बिडिंग प्रोसेस विद इन द माइंड बिडिंग प्रोसेस। माइंड बिडिंग क्या होता है, आई विल टॉक टू यू, इज आर ऑल नोबेल लॉरिएट्स ओवर, इवन आइंस्टाइन का जो बात किया है, इज इक्वल टू MC², जो एनर्जी का कन्वर्सन होता है,
सस्टेनेबल एनर्जी कन्वर्शन, दिस इज वन ऑफ माय एजेंडा, ये चीज करना, ये सब हमें इधर माटन का सब पे बैठ के हमारा मुस्लिम फ्रेंड जो है इसके साथ ये बात कर रहा हूँ। पॉल्यूशन कैसे चेक कर सकते हो, एक सस्टेनेबल मॉडल कैसे कर सकते हो एनिमल बिहेवियर के साथ, ये जो आप माइंड लैब का काम कर रहा है, माइंड लैब इज माई ओन क्रिएशन ऑफ माई माइंड, वो माइंड को हम एक्सप्लोर करके डिफरेंट थ्योरीज को हम कोऑर्डिनेट करके, आई वांट टू पोस्टुलेट वेदर इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी क्रिएटेड, एक नेचुरल बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक एंटिटी को आप रिस्पेक्ट देंगे, आप चीज़ को आप कर सकते हो सो दैट दुनिया में सब जो प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम को हम क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। बंद मत करना, अभी ये समाधान का बहुत सारे उपाय है समाज में, हम लोग सबके लिए नौकरी, सबके लिए जॉब, सबके लिए इंटरप्रिनरशिप हम कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है, पापा के लिए भी कर सकता है, कौवा अगर बिल्ली जी सकता है, इंसान के पास क्या प्रॉब्लम है, समाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको जीना चाहिए, सबके जीने का अधिकार है, एक काक एक क्रो का बिल्ली का जीने का अधिकार है तो इंसान का अधिकार है, ये सब चीज़ संभव है, थोड़ा सा आप दिमाग साफ करके सोचता है, ये धर्म पॉलिटिक्स राजनीति ये सब कुछ नहीं है। फाइनली ये अगर मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू हूँ, आप क्रिश्चियन हो, रात में जाके आपको भी भूख लगता है, इसको भी भूख लगता है, इसका भी खून का जरूरत है, मेरे को भी खून का जरूरत है, हम तो मुस्लिम हिंदू नहीं सोचता है खाने के टाइम, एक थाली में खा लेता है, लेकिन समाज में पॉलिटिक्स क्या कर दिया, धर्म क्या कर दिया, इसको हिंदू बना दिया, मुस्लिम मेरे को बना दिया, मेरे को हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, आपस में हम लोग लड़ाई करते रहता है, भूख के टाइम में इकट्ठा हो जाता है, ये लड़ाई के कारण से क्या हो रहा है, ये लड़ाई करते करते हमारा इतना टाइम एनर्जी वेस्ट होता है ना, उसमें आप अच्छी चीज़ का बात ही सोच भूल जाते हो। अगर आप बाप बेटा में दुनिया में 10 घंटा लड़ाई करोगे तो कौन सा काम कर लोगे, मन में होगा तो बाप को मेरे को धलाई करना है, बाप को मारना है, बेटा सोचता है बाप को मारना है, क्या करना है, सेम वो दो फैमिली का बीच में, एक हिंदू फैमिली मुसलमान फैमिली है, अभी जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, लेकिन हम आपस में रह सकता है ना, पॉलिटिक्स क्यों करना है, ये सब चीज़ बंद कर सकता है।